एक भगवान को प्रसन्न करने का एक माध्यम ये भी है कि भगवान को जो चीज प्रिय है, भगवान को जो चीज प्यारी है, कहते हैं ना प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है, तो भगवान को जो जो चीज प्रिय है उनकी ही प्रियता उनके लिए हमारी प्रियता हो जाए, वो हमें भी प्रिय लगने लगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो भगवान को गौ माता बड़ी प्रिय है, और अगर हम भी उसी भाव के साथ गौ माता की सेवा करने लग जाएंगे, गौ माता की रक्षा करने लग जाएंगे, तो भगवान की प्रसन्नता हम पर थोड़ी जल्दी हो जाएगी। जैसे होता नहीं है कभी कोई व्यक्ति हो, आप उसको खुश करना चाहो तो उसकी पसंदीदा चीज करते हो, उसको क्या पसंद है, तो हमारे ठाकुर जी को क्या पसंद है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा प्रिय है, पसंद है। या आपके किसी भी चेष्टा से, किसी भी प्रकार से हो सके तो गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की रक्षा करिए। गौ माता की सेवा, उससे देखो पुण्य की प्राप्ति तो होनी होनी है, क्योंकि गौ माता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, भगवान का वास है, लेकिन पुण्यों से ज्यादा हमें भगवान की प्रसन्नता से लेना देना है कि हम गौ माता की सेवा करेंगे तो हमें ठाकुर जी खुश होंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान कह रहे हैं जहां गाय होती है, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, जहां गाय होती है वहां ठाकुर जी रहते हैं। तो अगर आप किसी गौशाला जा रहे हो या जहां गाय बैठी हो विराजमान हो वहां जा रहे हो, इसका मतलब इन्हीं गौ माता के आसपास ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वेणुनाद बंशी बजा रहे हैं अपनी।